प्रोसेस का जो एक चैप्टर है और लाइव प्रोसेस में जो मतलब जैसे इस साल के चैप्टर में लाइव प्रोसेस है और रिप्रोडक्शन है है तो वही दो मेन चैप्टर रिवीजन के लिए या अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपको उसके लिए ध्यान देना है लाइफ प्रोसेस में से काफी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि वेटेज बढ़ जाएगा फिर लाइव प्रोसेस का तो अब इसमें से जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं तो मेनली जो है आप इसके अ इंटेक्स क्वेश्चन पे पहले ध्यान दें जैसे कि पहला क्वेश्चन ये सब जो दिए गए हैं आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने अगर आपने कर लिए हो तो अच्छी बात है नहीं किए हो तो आप फिर से करिए बिना चीटिंग किए अपने मन से तो इसमें से दो क्वेश्चन जो शुरुआत वाले हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं कई बार इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि डिफ्यूजन इजन है मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम में उसकी वजह ये होती है कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सेल्स इन्वायमेंट uh, के कॉन्टेक्ट में नहीं होती हैं सारी सेल्स तो जब कॉन्टेक्ट में नहीं होंगी तो उन्हें न्यूट्रिशन uh, या बाकी चीजें कैसे मिलेंगी तो उसके लिए डिफ्यूजन नहीं हो सकता उसके लिए मतलब मतलब uh, रिप्लाई तो उसके लिए उसको uh, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा तो बस यही हो गया इसका आंसर दूसरा है व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड विदर समवन इज अलाइव ये बहुत अच्छा तो जो आ, ये जो सेकंड क्वेश्चन है मतलब कि लाइव है कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें इसके आंसर यहाँ से निकलेगा मूवमेंट वाला वर्ड जरूर डालना उसके बीच में यहां कहीं पर ध्यान देना हाँ मोलिकुलर मूवमेंट या मूवमेंट इज ओवर स्मॉल स्केल मतलब मूवमेंट एक बड़ी वजह है यानी आप उसमें क्या क्या लिख सकते हैं ग्रोथ मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन uh, ये तीन मेन पॉइंट्स हैं जो आपको अपने इस आंसर में कंसीडर करने हैं बाकी आप चाहें तो आप एक दो लाइन एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं उसके लिए पर ये दो तीन वर्ड्स जरूर लिखने हैं उसके बाद न्यूट्रिशन के जनरल क्राइटेरिया uh, जैसे वो जो भी हैं कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं तो ये हो जाएगा आपके लिए मतलब जैसे कि फंगस में कौन सा न्यूट्रिशन होता है और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है वो जो मैंने टेबल बनवाई थी वो तो वो हो जाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अब इसके अंदर मेन पॉइंट यहाँ से बस इतना ही इसको इतना ही समझना है अगर कोई पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस का मेन पॉइंट्स क्या है या प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथिस तो आपको बस इन तीन चीजों के बारे में ही तीन पॉइंट को ही लिख के आना है यही तीन मेन पॉइंट है पहला है ऑफ लाइट एनर्जी क्लोरोफिल तो आप भी लिख सकते हैं कि लाइट एनर्जी लिख दी आपने फिर उसके बाद अगर आप चाहो तो एक दो लाइन जोड़ सकते हो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया मान लो फोर मार्क का क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ ये लाइन लिखना जरूरी नहीं है आप उसके अंदर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव लीव से चाहे तो ब्रैकेट में आप थायलाकोइड्स भी लिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट लिख के फिर थायलाकोइड लिख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी तो ये बात तो आपने लिख दी सेकंड पॉइंट उसके बाद आप वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक होता हुआ दिखा सकते हैं कि H2O लिख के डैश H अलग कर दीजिए और प्लस O अलग कर दीजिए वहां पे है ना तो ये आप दिखा सकते हो वहां पे उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है रिडक्शन ऑफ CO2 तो यहां पर आप लिख सकते हैं ये लाइन लिख दी आपने मान लीजिए फिर उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा सीओ टू प्लस एच लिख दीजिएगा यानी हाइड्रोजन के एड होने को रिडक्शन कहते हैं वो केमिस्ट्री वाला रिडक्शन मत लिख देना कि वो ऑक्सीजन रिमूव करने को रिडक्शन कहेंगे वो भी होता है लेकिन हाइड्रोजन के ऐड करने वाली बात यहाँ लिखनी है तो आपका ये हो गया रिडक्शन तो ये हो गया तीन पॉइंट हो गए फोर मार्क का क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया अब आता है अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डेजर्ट प्लांट्स कैसे अपना अलग तरीके का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो ये हो गया डेजर्ट प्लांट के लिए कि डेजर्ट प्लांट अपने स्टोमाटा रात में ओपन करते हैं और कार्बन डाई को रात में स्टोर करके एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं बस इतना ही लिखना है आपको एंड फॉर्म इंटरमीडिएट

फ्रॉम नॉर्मल प्लांट्स तो ये आप लिख सकते हैं ये एक बात होगी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी ये अब जो है अगला पॉइंट इसमें आएगा की एक्टिविटी ये एक्टिविटी को हल्के मतलब हाँ, भी, भी। को भी आपको समझना है ड्रॉ करना है आपको उसके पॉइंट्स को जैसे डायग्राम में कुछ भी लिखा हुआ एयर स्पेस गार्डस ये सब जो है बंडल, अपर तो ये याद रखना है डायग्राम आपको है ना अब आता है ये मेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी तो जो ये एक्टिविटी है ये एक्टिविटी कराई कराई जा रही है क्लोरोफिल के इम्पोर्टेंस को लेके कि भाई क्लोरोफिल क्यों इम्पोर्टेंट है तो इस वजह से यहाँ पर जो है ऐसी लीफ ली गई है जिसमें कहा सब जगह पर ऐसा ना हो सब जगह पे ग्रीन पार्ट ना हो देखो यहाँ क्लोरोफिल नहीं है तो यहाँ क्लोरोफिल है तो आप ये बस सीधे सीधे समझिए कि जब हमने देखा कि ये ब्लैक किया ये ब्लैक ये जो ब्लू हो गया है मतलब बाद में लीफ को सब पूरी पूरी प्रोसेस से परफॉर्म करेंगे जब हम लोग और देखते हैं जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है तो उसमें लास्ट वाले में ये जो है ब्लू यहा यहां पर हुआ है तो इससे ये पता चलता है कि यहां क्लोरोफिल था तो ये यह यहां पर ही इसने स्टार्च को बना दिया बाकी जगह स्टार्च क्यों नहीं बना यहाँ पे स्टार्च क्यों नहीं बना क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल था ही नहीं इसलिए वहां पर स्टार्च नहीं बना है तो ये तो थी वजह क्लोरोफिल के इम्पोर्टेंस की अब और बात क्या है इसमें और क्या ट्विस्ट ला सकते हैं लोग कि इसको घुमा देंगे इस पूरी की पूरी जो मतलब एक्टिविटी है कुछ लाइंस आगे पीछे कर देंगे और या बोलेंगे कि क्या ये लाइन सही लिखी हुई है ऑर्डर सही लिखा हुआ है या आपसे बोलेंगे कि आप ही लिख दो इसमें एक दो लाइनें आपको दे, दे देंगे लिख के पहले से ही दो तीन लाइनें लिख दी लिख दी बोलेंगे अब आगे की प्रोसेस आप लिख दीजिए मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आता है वैसे तो कि इतना बड़ा लाइन पूरी लिखने के लिए आ जाए एक दो ही लाइन मिस करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट बहुत क्वेश्चन है इसमें ज्यादा ऐसा नहीं आ सकता अब जो आए अब जो प्रोसेस आ रही है ये फोटोसिंथेसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है स्टोमाटा का फंक्शन तो इस्टोमेटा का फंक्शन तो जनरली बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल ये सब चीजें इसी में से एक्सचेंज होती हैं और समय निकलती हैं अब जो है यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है टू मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि ये लाइन बस आपको समझनी है ये लाइन ओपन एंड क्लोजिंग इसके अलावा आप एक भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे जो मैंने समझाया वो सब नहीं लिखेंगे मैंने समझाया था वो ग्लूकोज अंदर बढ़ जाता है तो इसकी वजह से अंदर हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाता है और उसकी वजह से अंदर वाटर जाता है वो सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको बस यहाँ केवल इतना लिख देना है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फ्लो, फ्लो फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल द गार्ड सेल स्वेल वेन वाटर फ्लो इन टू दैम कॉजिंग द स्टोमाटा पोर्स टू ओपन सिमिलरली दोर क्लोज इफ द गार्ड सेल श्रिंक बस टू मार्क्स की लाइन इतनी काफी है डायग्राम थोड़ा सा बना सकते हैं डायग्राम में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो इनर लेयर है वो थोड़ी थिक बनाइएगा इनर लेयर जो है इसकी आउटर लेयर से थिक रखिएगा तो वो डायग्राम जो देखेगा एग्जामिनर उसको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बच्चे को ये बात मालूम है कि अंदर की जो लेयर है वो थिक होती है और बाहर की जो लेयर है वो थिन होती है तो ये हो गया उसके बाद अब सेकेंड एक्टिविटी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कार्बन डाइट के इंपॉर्टेंस को समझाया गया है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड यहाँ रख दिया गया है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सर्व कर लेगा इस कंटेनर में तो जो अब ये लीव जो हम पूरा वही एक्सपेरिमेंट वापस वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे पीछे वाले में किया था पूरा वही एक्टिविटी है कोई अलग नहीं है इसमें बस इतना किया गया है कि प्रोसेस पूरी वही है बस इसमें इतना किया गया है यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा गया है और एक्सपेरिमेंट को भी वैसे ही करना है बिल्कुल बॉइल करके अल्कोहल से धो के वो सब वैसा ही करता है करना है पूरा तो जब इसमें आप परफॉर्म वही करोगे लास्ट में देखोगे तो इस वाले की लीफ यानी कि पहला ए वाला कंटेनर और जो बी वाला कंटेनर है उन दोनों में किस कंटेनर की लीव ज्यादा डार्क होगी तो उसमें बी की कंटेनर की लीव ज्यादा डार्क होगी क्योंकि उसमें ज्यादा स्टार्च होगा अब ऐसा क्यों है क्योंकि जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है देखो बाहर से कार्बन डाइट नहीं आ रही है क्योंकि बंद कर दिया गया है समझो तो जो प्लांट खुद कार्बन डाई रिलीज कर रहा है उसी कार्बन डाई को वो यूज करेगा समझे अब यहां जो ये जो ये रख दिया गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये पूरी की पूरी कार्बन डाई को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और ये वाले में नहीं हो पा रही है तो वो यूज कर पा रहा है प्लांट वापस अपनी ही कार्बन डाइऑक्साइड इस वजह से ये दूसरे वाले में ज्यादा स्टार्च होगा

ियल लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन मैग्नेशियम नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल इनऑर्गेनिक फ्रॉम एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन तो ये पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और उसके लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी दिया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इसमें से आप लोग गैस करिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ आप लोग अपने हैंड करेंगे कि मुझे इसका आंसर आता है तो मैं उनको अलाउ करूंगा कि आप लोग बोलिए इसका आंसर क्या होगा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सोचिए इसका आंसर क्या होगा ह्यूमन uh, मतलब हाइड्रोटॉपिक न्यूट्रिशन में अमीबा का न्यूट्रिशन पैरामीशियम का न्यूट्रिशन काफी कॉमन क्वेश्चन है कई बार पूछा जा चुका है लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन इससे तीन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है अब देखो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोर्स हो गया लिमिटेड अब लिमिटेड मतलब क्या हो गया है प्रोसेस तो मेन पूरा है ही है चैप्टर कंट्रोल में बहुत थोड़ा सा है रिप्रोडक्शन में पूरा चैप्टर है तो अब बचे तुम्हारे पास दो ढाई चैप्टर बचे केवल और हेरिडिटी में भी थोड़ा सा ही है शुरुआत वाला तो उसमें कोई अब ज्यादातर लोग फोकस करेंगे लाइव प्रोसेस पे ही तो थोड़ा सा बैठ के इसके आंसर लिखना प्रैक्टिस करना और तब ही जाके कॉन्फिडेंट होना कि हमको तो आता है ऐसा नहीं है कि देख लिया और सोच लिया अरे हमको तो बहुत कुछ आता है टेस्ट लिया जाएगा हम लोग भी टेस्ट लेंगे आपका तो उसमें भी पार्ट टेस्ट भी होंगे और फुल टेस्ट भी होंगे पार्ट टेस्ट में जैसे चैप्टर वाइज होगा मतलब एक-एक चैप्टर जोड़े जाएंगे और फिर फुल टेस्ट में पूरा का पूरा मतलब जैसे आप फुल टेस्ट 80 मार्क्स का आता है जितने भी वो उसका तरीके के लिया जाएगा उसका शेड्यूल आपको जल्दी ही मिल जाएगा एनटीएसी का भी पेपर वगैरह करने के लिए हम लोग डिसीजन ले रहे हैं और डेट जो है आ गई है एनटीएसी की इसलिए तो 14 फरवरी अभी बोलिएगा नहीं तो ये जो है ह्यूमन का आपको ये याद करना है न्यूट्रिशन का मैं इसको बता देता हूँ कैसे याद करना है आपको इसमें कुछ है नहीं शुरुआत में जैसे आप लोगों को बहुत पहले लगता था अरे बहुत मुश्किल होगा याद करने में पर ऐसा कुछ नहीं है आप इसमें काम करिएगा कि इसको पार्ट वाइज अलग अलग करके याद करिए जैसे आप पूरा माउथ के सेक्शन को एक बार में याद कर लीजिए ये क्वेश्चन आइदर टू मार्क्स या थ्री मार्क्स में आएगा कि पूरा का पूरा माउथ एक्सप्लेन करना होगा टीथ टंग सब और उसमें टीथ माउथ में क्या होता है डाइजेशन होता है किस चीज का डाइजेशन होता है कौन सा एंजाइम होता है वो सब आपको इसमें याद करना है ईसोफेगस के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता और स्टमक के लिए आ सकता है टू मार्क का क्वेश्चन केवल स्टमक से आ सकता है स्टमक इतना इम्पोर्टेंट है कि स्टमक क्या है स्टमक में क्या होता है स्टमक जो है कौन सा एंजाइम और कौन सी चीज रिलीज करता है स्टमक में प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी होती है स्टमक के अंदर कौन सा फूड का कौन सा पार्ट डाइजेस्ट होता है बस ये बातें जो मैं बोल रहा हूं अपने दिमाग में फिट कर लेना इसके बाद एक अलग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीवर और पेनक्रियाज आधर लीवर इंडिविजुअल आ सकता है पर पैनक्रियाज नहीं आएगा कभी भी इंडिविजुअल पेनक्रियाज आएगा तो वो ग्लैंड्स में एक साथ काउंट होके आएगा बट लीवर टू मार्क्स में पूछा जा सकता है कि लीवर क्या काम करता है तो लीवर जो है बाइल प्रोड्यूस होने काम करता है बाइल के दो काम बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझाए गए हैं पहला काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट दूसरा काम है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक फूड अगर न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो क्या होगा फिर वो जो है एब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि वो एसिडिक फूड होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन कभी भी एसिडिक फूड को एब्जॉर्ब नहीं करती है और वॉमिटिंग हो जाएगी उस टाइम पे और जैसे कथन ने मुझसे दो तीन दिन पहले क्वेश्चन पूछा था कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से इंटरचेंज कर दिया जाए जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का, का काम क्या होता है वाटर एब्जॉर्ब करना तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह पर लार्ज आ गई तो सारा पानी फूड का खींच लेगा वो वहीं पे खींच लेगा तो पास भी नहीं हो पाएगा इवन फूड आगे पास होने में भी दिक्कत आएगी और फूड जो होगा काफी सॉलिड टाइप का हो जाएगा तो उसमें से लम्स बन जाएंगे उसके फूड एबजॉर्ब ही नहीं हो सकता फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो दूर की बात रही है ना तो बस आपको इतना ही कहना है कि वो एब्जॉर्ब होने में या पास होने में बहुत दिक्कत आएगी उसमें फूड में तो आपको इतना लिखना है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों एक अलग क्वेश्चन आ सकते हैं तीन मार्क्स में कि दोनों या पूरा ऐसा पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द इंटेस्टाइन एंड देयर पार्ट्स तो आपको वहां पर Duodenum, jejunum, ऐसे पहले small फिर उसके parts लिखने उनके पार्ट्स में क्या होता है बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि डुओडिनम में ये होता है डुओडिनम में ऐसा होता है ऐसा कुछ नहीं है डुओडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जेजुनम एंड एलियम फर्दर ऑल कंटेन विली अगर विली विली जो है अगर लॉन्ग क्वेश्चन है इंटेस्टाइन का तो आप पूरा लिख सकते हैं लेकिन अगर कभी कभी विलाई एक इंडिविजुअली वन मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलाई क्या होते हैं तो आपको विलाई के बारे में पता होना चाहिए विलाई जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है फूड एब्जॉर्ब करने के काम आते हैं उसके अंदर फैट वगैरह लैफ्टिकल वगैरह में एब्जॉर्ब होता है तो ये हो गया पासेज, मतलब पास कराना फूड को पुश करना वो भी एक काम करते हैं वो पुश करते हैं फूड को आगे बढ़ाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में विली नहीं होती है नॉन विली लेकिन वहां पर वाटर एब्जॉर्ब होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है ऑर्गन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो बस खत्म हो गया अब एक और लास्ट क्वेश्चन आ सकता है कि केवल और केवल केमिकल डाइजेशन को एक्सप्लेन करें एक अलग ही क्वेश्चन है वो और उसके लिए आपको वो केमिकल वाला सेक्शन याद करना है जो मैंने आपको एक एरो एरो मेथड बनवा के याद करवाया था कि भाई माउथ में एमाइलेज uh, ने ये किया कियाज ने फिर स्टमक में पैप्सिन ने ये किया पैप्सिन ये किया, ने करने के बाद अब ये ट्रेप्सिन फिर उसके बाद पेन क्रिएटिक माइलेज ये सब जो है अलग अलग आपको उसके बारे में ऐसे वो जो हमने फ्लोर चार्ट बनवाई थी वो आप चाहें तो जरूर बनाइए बोर्ड एग्जाम में गलत नहीं होगा आपका और आपके मतलब आप लिखिए भी एक एक लाइन उसके लिए लिखते रहिए हेडिंग है, डाल डाल के कि माउथ में क्या डाइजेस्ट होता है स्टमक में क्या डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या डाइजेस्ट होता है ऐसे तीन हेडिंग बनानी है आपको और उसके अंदर आपको ये सारे पॉइंट्स लिख देने जैसे मैंने लिखवाए हैं बस वही लिख के आना है कोई गलत नहीं है वो एकदम परफेक्ट लाइन है उसके लिए वो तो ये न्यूट्रिशन का जो पार्ट है मैंने आपको पूरा आज समझा दिया डेंटल कैरीज वगैरह ये सब देख लेना क्वेश्चन एनसीआरटी के लगा लेना ये वाले इसी तरीके से अब मैं रिविजन कराऊंगा आने वाली क्लास में आपका अपना यही एक चैप्टर है रिविजन के लिए इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे फिर उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर तो देखो रिप्रोडक्शन मैंने करा दिया करायाजन फिर से करा देंगे एक बार दोबारा और उसके बाद अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आगे वाला पार्ट रिवीजन करा देंगे तो हम फिर से एक बार रिवीजन अगली क्लास में जब होगी तो मैं रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों एक साथ कराऊंगा आप पहले से ही पढ़ के आए तो और भी अच्छा रहेगा वैसे कुछ रेस्पिरेशन में कुछ ज्यादा है नहीं अगर आप चाहें तो अभी भी सुन सकते हैं मुझसे कि रेस्पिरेशन में क्या है रेस्पिरेशन में एक तो ये याद कर लो पहले ये पूरा ब्लॉक याद कर लो अगर ये याद कर लिया तो पूरा थ्री मार्क का क्वेश्चन तो इसी से आपको आ जाएगा कोई पूछेगा पायरुवेड क्या होता है तो आप ऐसे समझा सकते हो देख के यहाँ से ही देख के कि साइटोप्लाज्म में जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो उसको पायरोवेड बनने को कहते हैं इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं इसमें भी एनर्जी रिलीज हो रही देखो यहाँ पे केवल ये याद कर लेने से तीन मार्क का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा केवल और इसमें ऑफ 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 ऑक्सीजन 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 लैक और प्रेजेंस इन तीनों के बारे में बता दिया गया है और तीनों बहुत बढ़िया तरीके से आपको पता भी होंगे एटीपी के बारे में जनरली बात है पता ही होगा आपको उसके बाद हाँ डायग्राम बेस्ड वो जो ट्रैक होता है ट्रैक मतलब पैसेज से होते हुए ट्रैकिया में जाना वन मार्क का क्वेश्चन वैसे ये पूछ सकते हैं कभी कभी कि काटलेज के रिंग क्यों पाई जाती है ट्रैकिया में तो आप बता देना कि कोलैप्स होने से बचाती हैं और फिर उसके बाद ब्रोंकाई ब्रोंकस ये सब पूरा सैक और ये पूरा एलवली हो गया कभी कभी ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि एलविली क्यों होती है यहाँ पर कहीं पर है एडवांटेज ऑफ एलवली हाउ द लंग्स डिजाइन इन द ह्यूमन बींग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज तो इसका आंसर है एलवियली कि ज्यादा मतलब एलवली होने से ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है ये बढ़िया क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये ये लगा लो और एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो कोई कुछ नहीं कर सकता फिर तुम्हारा मतलब बोर्ड लेवल तो कंप्लीट हो ही गया फिर तुम्हारा तुम्हें कोई टच भी नहीं कर पाएगा ये लगा लो एनसीआरटी के सारे क्वेश्चन लगा लो जहां जहां पे दिए गए और जो मैंने एक बुक अभी ओपन की थी एनसीआर टी वो आप लगा लीजिए और सिर्फ देख के नहीं उसको लगाना भी है आपको तो ये कर लिया उसके बाद इनहेल एक्जेल में डिफरेंस याद कर लिया बस रेस्पिरेशन भी खत्म है नहीं कुछ रेस्पिरेशन में ज़्यादा